अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ अली और मैं इस्लामिक इकबाल मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एमडी कैट के अंदर इंग्लिश के सिलेबस को लेकर चल सकते हैं और किस तरह से आप उसमें से 20 में से 19 या 18 या 17 तक स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने जब सबसे पहले अपना एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो स्टार्ट में ऐसा होता था कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट रूल दे देते होते थे हमारे पास कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रूल होते थे। मेरे सिर्फ 2-3 स्टार्टिंग में 4 एमसीक्यू ठीक हुआ करते थे 15 में से 10 में से जो टेस्ट होता था। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि मैं क्या करूँ। तो उसके बाद मैंने डिफरेंट टीचर से अपने जो मुझे पढ़ाते थे तो मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा आपने इस बात से परेशान नहीं होना, आपने बस जस्ट क्या करना है कि जो। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसको मैंने किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने अपने जो इंग्लिश के सिलेबस को उसके जो आउटलाइंस हैं उसके जो रूल्स का बेसिक चीज़ें हैं उसने पूछी हैं वो उन पे फोकस होना चाहिए कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के अंदर एक एमसीक्यू दे रहा है, दो एमसीक्यू दे रहा है, तीन एमसीक्यू दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, यानी उसके अंदर भी ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा डीपली चीज़ों को देख सकते हैं। अदरवाइज आप उसके ऊपर जो है सर्फेस नॉलेज तक रहेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। और इतना आसान पेपर लग रहा होता है जब एक्चुअल आप एमडी कैट में बैठे होते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी करनी होती है, हम रूल के अंदर नहीं घुसना, कभी भी इंग्लिश में रूल के अंदर नहीं घुसना। हमारे टीचर एक बात करते होते थे, वो कहते होते थे कि जो एक्सेप्शन होती है ना बेटा वो रूल करती है और जो एक्चुअल रूल्स होते हैं ना। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इसको मैंने किस तरह से लेकर चलना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपने अपने जो इंग्लिश के सिलेबस को उसके जो आउटलाइंस हैं उसके जो रूल्स का बेसिक चीज़ें हैं उसने पूछी हैं वो उन पे फोकस होना चाहिए कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अंदर एक एमसीक्यू दे रहा है, दो एमसीक्यू दे रहा है, तीन एमसीक्यू दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, यानी उसके अंदर भी ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब उसके अंदर थोड़ा सा डीपली चीज़ों को देख सकते हैं। अदरवाइज आप उसके ऊपर जो है सर्फेस नॉलेज तक रहेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। और इतना आसान पेपर लग रहा होता है जब एक्चुअल आप एमडी कैट में बैठे होते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी करनी होती है, हम रूल के अंदर नहीं घुसना, कभी भी इंग्लिश में रूल के अंदर नहीं घुसना। हमारे टीचर एक बात करते होते थे, वो कहते होते थे कि जो एक्सेप्शन होती है ना बेटा वो रूल करती है और जो एक्चुअल रूल्स होते हैं ना वो जो होते हैं वो रुल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्शनल केसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि बहुत डीप नहीं जाना चीज़ों के अंदर और मोर प्रैक्टिस। एक्चुअली एंट्री टेस्ट प्रैक्टिस का नाम होता है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उसको अपने नोट्स बनाएंगे, उससे क्या होगा कि आप सेल्फ मेड अपने नोट्स बनाएं, बेसिक रूल्स लिख लें, को बहुत ज़्यादा रूल के साथ फिल ना कर लें अपनी कॉपी को, या फिर कोई भी आप नोटबुक प्रैक्टिस बुक प्रेप बुक रीड करते हैं तो उसके अंदर जो है ना आपने चीज़ों के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होना, आपने डीपली नहीं चीज़ों के अंदर जाना क्योंकि इतनी सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मैक्सिमम भी एक या दो एमसीक्यू आ सकते हैं जो डीपली पूछे जा सकते हैं। तो आपने उन एक दो एमसीक्यू के लिए आपका पूरा एक स्ट्रेस लेके बना के बैठे हुए होते हैं तो उस चीज़। और जो इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें रूल बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, स्टार्ट में आपका एक एमसीक्यू गलत होगा, स्टार्ट में आपके एक एमसीक्यू सही होगा, दो सही होंगे, तीन सही होंगे। तो आहिस्ता आपने बस मेहनत करते रहना है। इसके अलावा आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, रूल को एक दफ़ा रीड करना है और उसकी कोशिश करनी है कि 5 से 10 एमसीक्यू उसी वक्त कर लेने आपने। तो ये डिफरेंट प्रेप बुक हैं, प्रैक्टिस बुक हैं, प्रेप बुक के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मेंशनड हुई होती हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से दोनों एमसीक्यू के लिहाज से और एक्सेप्शन के लिहाज से आपने चीज़ों को याद रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट एक्चुअल एनएमडी कैट का पेपर नहीं आता जितना डिफ़िकल्ट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कर। और सबसे एंड पे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरे एक्चुअल में 20 में से 18 एमसीक्यू ठीक थे, मेरे इंग्लिश में 18 मार्क्स थे। तो मुझे ये लगता नहीं था कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, बट पेपर ही इतना रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए। मेरी इतनी ज़्यादा थी प्रैक्टिस कि मुझे बहुत ही आसान एमसीक्यू लग रहे थे। तो आपकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात आपने याद रखनी है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे रूल के अंदर नहीं घुसना, ये मैंने पॉइंट बताया, और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ये वाला पॉइंट बताया। उसके बाद मैंने क्या पॉइंट बताया कि आपने एक्सेप्शंस को फोकस करना है, और चौथी बात मैंने बताई कि आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। आपके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू गलत होंगे, चाहे आप रिपीटर हैं, मैं भी रिपीटर था, तो चाहे आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यू स्टार्ट में गलत हो रहे हैं इंग्लिश के, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बल्कि उस चीज़ को माइंड में रखना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। थैंक यू वेरी मच। तो